हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास टेंथ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री बुक से आपका चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, कंबोडिया में है। कहाँ पे है, कंबोडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगाली थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कोलोन कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाउ ने। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मार्च 1976, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक आंदोलन लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, रसेल। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया, तो रसेल। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेवा समझौता कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए, 1954। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, 1975। अगला क्वेश्चन, अनामी दल के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, जोगनुएन आई। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कुआंग दे।
जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940। 1940। अगला क्वेश्चन, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1868 ईस्वी में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907। अगला क्वेश्चन, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय। तो दोस्तों ये चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे समाप्त हुए। हम अगले चैप्टर यानी भारत में राष्ट्रवाद अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।